सो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। यार देखो, आज जैसा कि तुम सबने थंबनेल और टाइटल देखा है, आज अपन लोग बात करेंगे कि आखिर वानो आर्क के बाद योंको कौन कौन हो सकते हैं या फिर योंको कौन बन सकता है। लेकिन उससे पहले हम लोग जरा जाएंगे यार योंको को लेके। अब देखो, जिसको योंको के बारे में नहीं पता है, योंको ओरिजिन के बारे में नहीं पता, उसको लेकर के मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। तुम लोग जाकर के ये वाला मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो। एक और चीज़, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि लूफी फिफ्थ एम्परर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस उसको मॉर्गन ने नशा करके छाप दिया है, ऑफिशियली लूफी को योंको नहीं है। एक और चीज़ मैं तुमको बता देता हूँ, योंको में जो योन है उसका मतलब होता है चार, मतलब फोर एम्परर्स। तो इस वजह से जब भी बोला जाता है ना योंको, मतलब फोर एम्परर, योंको नो काइडो, मतलब फोर एम्परर्स में से एक काइडो, ऐसा कुछ बोला जाता है। ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, वरना फिर कमेंट बॉक्स में कोई अपनी राय देते फिरेगा, अबे लूफी फिफ्थ एम्परर है, फिफ्थ योंको ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग आते हैं वानो आर्क के बाद क्या होगा। अब सबको मालूम है यार, वानो आर्क के बाद काइडो हार चुका होगा या फिर ऐसा कुछ हो गया होगा कि वानो कुनी लूफी के टेरिटरी बन जाएगी और उसके बाद पूरा वन पीस का जो वर्ल्ड है वो अनबैलेंस हो जाएगा। साथ ही साथ वानो आर्क में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप जो हमला करने के लिए आ रहे हैं वो लोग कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे और इससे जो लूफी बहुत बड़ा थ्रेड बन जाएगा, जिस वजह से लूफी एक योंको बन जाएगा। अब योंको उसको बनना ही पड़ेगा, बिकॉज काइडो के हारने के बाद अगर लूफी वानो कुनी को अपनी टेरिटरी घोषित ना करे तो भाई कोई और आकर के उसको अपनी टेरिटरी घोषित कर लेगा, वरना हो सकता है यार वर्ल्ड गवर्नमेंट ही बस्टर कॉल से उड़ा दे। तो इस वजह से लूफी का फर्ज तो बनता है वो अपने फ्रेंड के आइलैंड को प्रोटेक्ट करे, और ऐसा सिर्फ एक आइलैंड के साथ नहीं होगा, फिशमैन आइलैंड, ड्रेसरोजा, ज़ोउ, वैसे ज़ोउ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट जा भी नहीं सकती, इसके अलावा वानो, इन सब पे लूफी का कब्जा होगा। लूफी इनको अपनी टेरिटरी घोषित करेगा। आज से पहले लूफी ने किसी भी अपने एरिया को अपनी टेरिटरी घोषित नहीं किया। फिशमैन वाले तो चाहते हैं कि लूफी इसे अपनी टेरिटरी घोषित कर दे, पर किया नहीं है, पर हाँ लूफी आगे जाके जरूर करेगा। अब यहाँ पे तुम्हारा एक और सवाल उठने वाला है कि ठीक है, लूफी जो है एक योंको बन गया, अब लॉ और किड का क्या। देखो, लॉ और किड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं इस आर्क में, नो डाउट। उन दोनों ने मिलके लिलिन को हराया और भाई एक योंको को, भले वो अपने प्राइम में नहीं है पर फिर भी उसको हराना आम बात नहीं है। साथ ही साथ इन दोनों ने अपना जब डेविल फ्रूट अवेकनिंग किया भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, खास कर तो लॉ वाला यार, वो पूरा का पूरा गिनीची मारू बन गया था। और कहीं ना कहीं अगर तुमने मांगा चैप्टर को ध्यान से रीड किया, तुमको एक बात पता चलेगा, लिलिन के हारने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी ने निभाया है तो वो ट्रफाल्गर डी वाटर लॉ ही है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भले तुम्हारा ओपिनियन कुछ अलग हो लेकिन मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन देना चाहूंगा, अगर तुमको लगता है कि वानो आर्क के बाद हमें 5 योंको देखने को मिलेंगे तो भूल जाओ, हमें 4 योंको ही देखने को मिलेंगे। और एक चीज मैं बता देता हूँ, लॉ और किड योंको नहीं रहेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। देखो, लूफी के पूरे क्रू को देखो और कोई योंको के पूरे क्रू को देखो। लूफी का जब डबल फ्रूट अवेकनिंग हुआ इस आर्क में भाई, वो कितना ज्यादा खतरनाक हो गया और कितना ज्यादा स्ट्रांग भी हो गया, उसको देख के हम लोग को मालूम पड़ता है वो एक योंको लेवल कैरेक्टर बन चुका है। साथ ही साथ अगर मैं लूफी के क्रू मेंबर्स की बात करूं, जोरो ने किंग को हराया, सांजी ने क्वीन को फुटबॉल बना दिया, रॉबिन जिसको सब डेविल चाइल्ड बोल रहे हैं, भाई उसको क्या ओडा ने कैरेक्टर राइटिंग दिया इस आर्क में, भाई सीधा उसका पावर लेवल कहां तक पहुंचा दिया और जिस हिसाब से उसको पावर अप दिया, बहुत ही जबरदस्त। जिनबे की बात करूं, भाई उसने तो हुजू को एक तरफा धोया। हाँ, नामी का थोड़ा अलग सीन है क्योंकि उसको इस आर्क में ज्यूस मिल चुका है, पर अभी तक हम ज्यूस का फुल पोटेंशियल यूज करते हुए नामी को देखे नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में आने वाले टाइम पे ओडा उसको पावर अप देने के लिए बचा के रखा है। साथ ही साथ उसब की बात करूँ तो उसब के साथ भी यही सीन है। चॉपर की बात करूँ तो भाई चॉपर अपना पहले जैसा ही है और थोड़ा बहुत ही हुआ है, ज़्यादा पावर अप नहीं हुआ है, पर हाँ उसका मेडिकल टेक्निक थोड़ा बढ़ गया है जिस हिसाब से वो एंटीडोट बनाया। बात करो ब्रुक की तो ब्रुक का भी पावर हमें दिखने को मिलता है इस आर्क में। फ्रैंकी ने सासाकी को हराया जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये जो क्रू मेंबर्स हैं ना लूफी के, इनको देख के मालूम पड़ता है भाई कि लूफी का जो क्रू है वो एक योंको लेवल क्रू है, देखने से भाई लोगों की फटती है। अब हाँ, वानो आर्क के बाद यामाटो ज्वाइन करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन यामाटो अगर ज्वाइन करती है
तो भाई एक क्रेजी लेवल का स्ट्रॉ हैट पायरेट को बूस्ट अप मिलेगा पावर के मामले में, बिकॉज हम सबको मालूम है वो काइडो की डॉटर है और वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको कॉनकरर की कोटिंग तक आता है, प्लस उसका जो डेविल फ्रूट है वो भी एक अलग लेवल पे है। तो हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लूफी का क्रू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, देखने से लगता है वो योंको का क्रू है, पर अगर तुम चल जाओ लॉ और किड के तरफ तो ऐसा कोई सीन नहीं है। देखने से कभी लगता है कि लॉ का क्रू या फिर किड का क्रू ले लो, किड के क्रू में मुझे तो सिर्फ किलर नजर आता है जो मुझे स्ट्रांग लगता है, जिसने बैजल हॉकिंस को हराया, जो कि बहुत बड़ी बात है यार, वरना मुझे किड के क्रू में और कोई स्ट्रांग मेंबर नजर नहीं आता। साथ ही साथ अगर मैं बात करने जाऊं लॉ के क्रू मेंबर्स की, तो लॉ के क्रू तो तुम सबको मालूम है कैसा है। तो हाँ, इन लोग का क्रू देख के तुमको कभी भी नहीं लगेगा कि ये लोग एक योंको का क्रू हो सकते हैं। इन्हें देख के, सिर्फ इनके कैप्टन को देख के लोगों की फट सकती है, दूसरे पायरेट डर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसका क्रू स्ट्रांग है क्या? नहीं यार, इतना ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं बात करने जाऊं लिलिन को, जो इन्होंने हराया, भाई दोनों ने मिलके हराया, और इसमें बहुत बड़ा रोल था लॉ का, और हाँ किड का भी बहुत बड़ा रोल था, दोनों ने भाई जी जान लगा दिया, तब जा करके लिलिन हारी है। बट जरा तुम ध्यान दो, पूरे ओनिगासीमा वॉर में लिलिन का जितना भी क्रू मेंबर्स थे वो लोग दूर थे फाइट से, सिर्फ इस विकलांग बच्चे को छोड़ के। अब देखो यार, इस आर्क के बाद क्या होगा, काइडो से उसकी टेरिटरी छीन ली जाएगी, और उसको कौन छीनेगा? नो डाउट यार, ऑब्वियसली अपना मंकी डी लूफी, जिसके बाद वो एक योंको बन जाएगा। पर तुम मुझे एक बात बताओ, लॉ और किड को अगर तुम एम्परर बनाना चाहते हो तो उनके पास कौन सी टेरिटरी है? वो लोग क्या वो ओनिगासीमा का आइलैंड को अपने टेरिटरी बनाएंगे? और बात करो लॉ और किड की, तो भाई ये लोग अकेले किसी योंको का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर दो योंकोस के बीच में क्लैश होता है ना, तो भाई बादल फट जाते हैं। क्या ऐसा कभी तुम लॉ और किड से अभी तक एक्सपेक्ट किए हो? नहीं किए होगे। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर लॉ या फिर किड को योंको बनना है तो उनको जा करके लिलिन को उसके टेरिटरी में घुस के हराना पड़ेगा, तब जा करके उन लोगों में से कोई एक योंको बन पाएगा। आई होप मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम सबको समझ में आ गया होगा। ये था मेरा ओपिनियन, अब तुम लोग का क्या मानना जरा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो यार, चैनल को सब्सक्राइब मारो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसे ही वन पीस की वीडियो बनाता रहूंगा, जिससे तुम सब देख के एंजॉय कर सको। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।